राम राम जी। अभी हमें नाको विलेज में और नाको विलेज में नाको लेक पे खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरी जमी हुई है। इससे पहले हम जुलाई अगस्त में आए थे तब ये बिल्कुल भी जमी नहीं हुई थी, बर्फ नाम की तो कोई चीज नहीं थी। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था लेकिन अभी और अच्छा व्यू दिख रहा है। और ये एक बौद्ध भिक्षु थे, वो अपने बंकर खुदाई कर रहे थे, वहां पर उनको ये मिली थी। ये आसन में बैठी हुई है और ऐसी की ऐसी मिली थी। राम राम जी, आज है 7 जनवरी 2023 और सुबह के 8 बजे का टाइम हुआ है। अभी हम है सिचलिंग में जो कि काजा से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बाहर अपनी बाइक खड़ी है और कल हमने यहाँ पे कैंपिंग किया था। अभी लगभग -15-16 डिग्री टेम्परेचर है। उसके बाद हमने ये रूम लिया था भाई। ये ऐसा कुछ रूम था जिसमें हमें हीटर मिला था और उसके बाद चार्जिंग पॉइंट था, ये बेड था। तीनों बंदे इसी पे सो गए थे। इसका 1200 रुपये चार्ज है। अभी यहाँ पे चार्जिंग लगे हुए गैजेट्स। ये किचन है। आंटी आलू के पराठे तैयार कर रही है ब्रेकफास्ट के लिए। आलू के पराठे खा के फिर चलेंगे। लो जी, तेल ख़त्म हो गया है तो अभी ये भाई के पास 5 लीटर की कैनी है जेरी कैन। लो जी, आज है 7 जनवरी 2023 सुबह के 10:30 बजे का टाइम हुआ है और सिचलिंग में हमने यहाँ एक दिन कैंपिंग की थी और आज दूसरे दिन यहाँ पे होम स्टे में रुके थे। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से भेड़ बकरिया। तो अभी हम पहले ताबो मोनेस्ट्री देखेंगे, फिर गुई में गुई मम्मी देखेंगे, उसके बाद नाको में नाको लेक देखेंगे, फिर रिकोंगपियो के पास से लेफ्ट टर्न लेके चितकुल जाएंगे और फिर चितकुल के बाद वापस शिमला होते हुए थोड़ा सा शिमला में विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। ये अपना रूट है तो देखते हैं कितने दिन लगेंगे। लो जी, बहुत ही खराब रोड के बाद अब एक बहुत ही अच्छा रोड आ गया है। पिछले 8 किलोमीटर बिल्कुल गंदा रोड था, बिल्कुल ऑफ रोड था, लेकिन उसके बाद अभी पिछले 300-400 मीटर से बहुत ही बढ़िया रोड है। सिंगल रोड लेकिन बढ़िया भाई सब बाइकर्स के लिए। A few moments late. पहुंच चुके हैं ताबो ब्रिज। ये है ताबो ब्रिज और यहाँ से मात्र 0.5 किलोमीटर चलते ही आपको ताबो विलेज देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है। तो मोनेस्ट्री के लिए आपको यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। ये मेन गेट है। ग्राम पंचायत ताबो आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। लो जी, सामने है ताबो मोनेस्ट्री। 11:30 बजे का टाइम हुआ है और फाइनली पहुंच चुके हैं ताबो मोनेस्ट्री। ताबो मोनेस्ट्री बहुत ही खास मोनेस्ट्री। ताबो में ये पूरी मिट्टी की बनाई हुई है और ये मिट्टी भी यहाँ की लोकल मिट्टी यूज की हुई है, कई हजार साल पुरानी है और ये तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल टच में है और इसके नॉर्थ में है सतलुज रिवर। जो ये मोनेस्ट्री है ये 996 AD में बनी थी, मतलब कि 1026 साल पुरानी ये मोनेस्ट्री है। तो इस मोनेस्ट्री की ना मतलब ये बहुत फेमस है इसकी पेंटिंग के लिए, इसकी स्टैचू के लिए और स्कल्पचर के लिए। द मोनेस्ट्री बिकॉज ऑफ द ओल्ड पेंटिंग, मतलब ये ओल्ड पेंटिंग से बनी हुई है। मतलब ये बहुत सारी पुरानी ओल्ड पेंटिंग है जिसकी वजह से इसे अजंता एंड एलोरा ऑफ द हिमालयस भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये पूरी मोनेस्ट्री ना ये वर्ल्ड फेमस है। ये सारी मिट्टी की बनी हुई है और मिट्टी यहाँ की लोकल मिट्टी यूज की हुई है भाई साहब। इसके अंदर वहाँ पे जो पीछे ना वो मेन मोनेस्ट्री है, वहाँ पे अंदर फोन अलाउड है नहीं, अलग से आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड है नहीं वहाँ पे। क्या चीज़ है, आप जैसे ही अंदर जाओगे आप ना आपको अंदर टॉर्च दी जाएगी, आप टॉर्च से वहाँ की वॉल पेंटिंग देख सकते हो, जितने भी वहाँ पे स्टैचू बने हुए वो देख सकते हो। अंदर वहाँ पे पूरी जर्नी दिखा रखी है मॉन्क्स की और उसमें ना 32 स्टैचू दिखा रखे हैं जिनको ना भगवान बुद्ध के साथ मोक्ष मिला था। तो पूरी जर्नी दिखा रखी थी भाई साहब, मजा आ गया। इससे पहले आज तक हमने किसी भी मोनेस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं चला था। ये है भाई मेन गेट यहाँ से अंदर से। और अभी यहाँ पे एक कहते हैं कि मोनेस्ट्री में ना एक चक्कर लगाते हैं और वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, तो अभी यहाँ से इसके जस्ट मोनेस्ट्री के पीछे से एक चक्कर लगाएंगे और मोनेस्ट्री के पीछे से दिखाएंगे आपको। वहां पर आपको ना एक पहाड़ के अंदर गुफा टाइप से मिलेगी, देखते हैं वहां जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उसके लिए थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और अभी शायद वहां पे कोई मिले या ना मिले वो कन्फर्म नहीं है। तो चलो एक चक्कर लगाते हैं। ये सारा भाई बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है, देख सकते हो आप।
लो जी ये थी ताबो मोनेस्ट्री, जहाँ पर दर्शन कर लिए हैं, देख लिए हैं। इसके जस्ट सामने है गुफा, वहाँ पे नहीं जा पाएंगे तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अभी यहाँ से जाएंगे गुई विलेज, जहाँ पर मैं आपको गुई मम्मी मिलेगी जो कि कई हज़ार साल पुरानी है। तो वो गुई विलेज में है, जिसके लिए हमें मेन रोड से अप्रोक्स 10 से 11 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा हिल्स पे, और फिर विलेज से शायद 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है गुई मम्मी, और उसके जस्ट बगल में एक मंदिर भी है। तो चलो डायरेक्ट रास्ते से लेके जाते हैं और आपको दर्शन कराते हैं गुई मम्मी के। जो ये पेड़ की टहनियाँ होती है ना, इनसे जो पानी टपकता है, जैसे वो पत्थरों से टपकता है वैसे जो पानी टपकता है ना, उसकी बर्फ जमी हुई। भाई देखो A few moments later. लो जी फाइनली वो पॉइंट आ गया है जहाँ से गुई मम्मी के लिए अलग से रास्ता जाता है। क्या सर चलिएगा उधर बैठो, इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। हाँ जी बैठो बैठो, पैर रख, इस पे पैर रख लो, पहले पैर रख लो। हाँ ये खड़े हो जाओ। A few moments later. साइडों में देखो भाई बर्फ कैसे। ये किस चीज का चार्ज है सर? ये मॉनेस्ट्री के लिए सर। अच्छा मॉनेस्ट्री के लिए जो मम्मी है अभी खुली मिलेगी ऊपर? ठीक, कितने रुपए का था? 30 रुपए पर्सन सर। तीनों का एक साथ कर दो 30 रुपीज। ये पहले तो नहीं होता था सर, 2 साल पहले तक? इसी साल है सर। इसी साल लगा है? ये कोरोना के बाद लगा क्या? कहाँ से है सर आप लोग? हरियाणा से सर। हरियाणा से आज कहाँ से निकले? अभी हम सुबह निकले थे सिचलिंग से। हाँ से आ रहा है। हाँ जी। लो भाई नगा ग्यूर खेदुपलिंग मोनेस्ट्री हुई, वो दे रहे सर रुपये हुए दे रहे। ये भाई 30 रुपये की टिकट लगने लग गई है पर पर्सन। ये कोई वो नहीं किया बाइक से आ रहे या कार से आ रहे, पर पर्सन ले रहे हैं 30 रुपीज, और ये मोनेस्ट्री की फीस है तो ये ले ली है। चलो कोई नहीं, 30 रुपये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, साथ में स्लिप भी दे रहे हैं और गांव की सहमति से ही लगी होगी। यहाँ पर आपकी रहने खाने की हर चीज़ की व्यवस्था हो सकती है, बस एक बात का ध्यान रखें, अंधेरा होने से पहले अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए, वो चाहे लद्दाख हो, चाहे स्पीति हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो। लो जी फाइनली पहुंच चुके हैं, ये एक मंदिर है और वो साइड में मम्मी है, तो आपको बिल्कुल सामने से दिखाते हैं। ये मंदिर है, मंदिर बंद लग रहा है। लो जी अपनी एक्सट्रीम विंटर स्पीति बाइक राइड के 5वें छठे दिन अभी पहुंच चुके हैं ग्यू विलेज में, और ग्यू विलेज से 1 किलोमीटर ऊपर है ग्यू मम्मी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पर ग्यू मम्मी के बारे में लिखा हुआ है, एक्चुअली ग्यू मम्मी का नाम है सड़गा तंजिन, और ये एक बौद्ध भिक्षु थे जो एक जगह भूकंप हुआ था सन 1975 में, वहाँ पर अस्थिग्रस्त हो गई थी, और 1981 में जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है वो अपने बंकर खुदाई कर रहे थे वहाँ पर उनको ये मिली थी, और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कैलिफोर्निया से इस पर एक रिसर्च की गई। यहाँ पर गांव में आकर कार्बन 14 डेटिंग से यह पता लगाया था कि 1430 ईस्वी में से तपस्या के आसन में थे, मतलब एक आसन में बैठी हुई हैं वो, इसके अंदर है आप लोगों को अभी दिखाएंगे, और इसको किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया गया, ये ऐसे की ऐसी तब से। तो चलो एक बार गेट खोलते और आपको अंदर से दिखाते हैं। यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप रिमूव योर शूज लिखा हुआ है, इसके बाद आप इसको खोल सकते हो। जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं ना, वहाँ पे हर चीज़ साथ मिलेगी, जैसे आपको 2, 4, 6, 7 ये चीज़ है, और उसके बाद ये मम्मी है, ये आसन में बैठी हुई है, और ऐसे की ऐसी मिली थी। और यहाँ पे एक अलग से ये है, लो जी यहाँ से 10 किलोमीटर ऑफ रोड होते हुए हम नीचे मेन रोड पे चले जाएंगे, जहाँ से
राइट हैंड को चला जाएगा काजा और लेफ्ट हैंड को चला जाएगा शिमला की तरफ। तो अगला हमारा डेस्टिनेशन है नाको विलेज, जहाँ पर एक नाको लेक है वो बिल्कुल जमी हुई मिलेगी ऐसा बता रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको, बहुत प्यारी है भाई। रास्ता देख सकते हो आप, वैसे तो रोड बना हुआ लेकिन टूटा हुआ देख सकते हो आप। ये जो रोड पड़ी हुई ना ये दिक्कत कर देती है, और बीच बीच में ना ब्लैक आइस भी है तो उनकी दिक्कत है, बाकी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। इसके बाद अब बहुत ही प्यारा और सुंदर रोड मिल गया है, और ना को यहाँ से है 32-33 किलोमीटर, जिसमें गूगल महाराज एक घंटा दिखा रहा है, मैं भी एक घंटे से पहले ही पहुँच जाएंगे। टाइम की बात करें तो 2 बजे का हुआ है। ये वाला लैंड स्लाइडिंग जोन है, यहाँ पे पीछे ना रुकवा दिया था, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, मतलब कुछ अपने आप गिर रहे हैं, कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ ना तो उसकी वजह से। बिल्कुल ऑफ रोड है भाई, इसका जो कैरियर था ना जिसमें सामान लगा हुआ है उसकी पाती टूट गई है, तो ये कभी भी सामान गिर सकता है, इसलिए बस इस बाइक के पीछे रहना पड़ता है। और अभी वैसे भी ऑफ रोड है, अभी देख सकते हो आप ऊपर से जो वाटरफॉल आया था ना पूरा का पूरा जमा हुआ भाई साहब, बिल्कुल पूरा का पूरा। यहाँ पे सीन क्या है, जो चलता हुआ पानी है वो तो रह जाएगा, अगर वो थोड़ी देर के लिए भी रुक गया ना तो तब भी स्नो बन जाता है। देखो ओ भाई कितनी तेज धूप है और फिर भी ऐसे ही स्नो बनी हुई है। और दूसरी दिक्कत यह क्या रहती है, जैसे यहाँ पे पानी ना, ये पानी ब्लैक आइस बन जाती है। ये सारी ब्लैक आइस है, अभी हम आ चुके हैं नाको विलेज, जो आप सामने देख रहे हो ना ये सारा नाको विलेज है। लो जी ग्राम पंचायत नाको आपका हार्दिक स्वागत करती है। लो जी फाइनली पहुंच चुके हैं नाको लेक, यहाँ पर अपनी ऊपर बाइक खड़ी कर दी है और यहाँ से पैदल जाने का रास्ता है। देखो मजा आएगा मजा, ये देखो भाई पूरी क्या जबरदस्त व्यू यार, फोटो बाद में लेंगे चलते टाइम, पहले एक बार नीचे चल के आपको लेक दिखाते हैं क्योंकि इतनी देर रुका नहीं जाएगा भीड़ू। देखो होगा होगा होगा, रुक 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 रुक, अरे रुकेगा रुक ना, रुकू भाई, भाई विकास भाई आगे आगे चल रहे हैं, मैं उनके थोड़ा पीछे पीछे आऊंगा। ओ भाई भैया आप ब्लॉगर हो, बना तो रहे हैं YouTube पे लगाते हो? हाँ। क्या चैनल का नाम क्या है, मैं आपको देखती। देसी यात्री विकास, देसी यात्री। ओ भाई ओ भाई राम राम जी, अभी हम हैं नाको विलेज में, और नाको विलेज में नाको लेक पे खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरी जमी हुई है, इससे पहले हम जुलाई अगस्त में आए थे तब ये बिल्कुल भी जमी नहीं हुई थी, बर्फ नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, लेकिन अभी और अच्छा व्यू दिख रहा है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो बिल्कुल जमी हुई है, तो इस पर हमने थोड़ा सा घूम लिया, व्यू देख लिया, अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। हमें नाको लेक देखने के बाद अभी यहाँ पे चाय और चाउमीन, कैमरे तो साफ कर लेगा, देखिए पीछे से मैं बैठा चुपचाप सी, हर बतला हल्ला कर आपस में बात कर रहे थे, तो मेरा ध्यान जैसा ऐसा गया ना, मैं एक बार डर गया, वक्त दी पिटी ले ना रहा जो कर तू की मिठी ले बता ना ना, यो कति नु वाला है इने एकदम तो ब्रेक मारे तेरा पासला टाइम नहीं खिसड़ा था, उड़े उड़ा जबरदस्त वाला उड़ा, तो भाई साहब कांड हो गया था, क्लासिक के तो ब्रेक नहीं, ट्रक वाले ब्रेक हो, मैंने तो बताई थी मत कसर रख थोड़ी रहेगी ना, तेरा सीधी चुमी ले दी। लो जी अभी यहाँ पे चाउमीन खा ली और चाय पी ली, दो क्रीम रोल खा लिए, थोड़ी सी भूख लगी थी, और अपनी आगे की राइड को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से अभी 100 किलोमीटर है रिकोंगपियो, जिसमें अप्रोक्स 2 घंटे लग जाएंगे, टाइम की बात करें तो 4:15 मतलब 6:15 के आसपास तक हम पहुँच पाएंगे। कितना प्यारा रास्ता भाई देखो, लेकिन जो ये ऊपर से पहाड़ है ना ये काटे हो रखे हैं, तो इनका थोड़ा सा रिस्क रहता है, कभी भी ये पत्थर गिर सकते हैं,
बाकी कितना प्यारा रोड है यार, मस्त। लो जी अभी पहुंच चुके हैं खाब संगम ब्रिज। मेरे पीछे देख सकते हो ये है खाब संगम ब्रिज, और उस तरफ से आते हैं सतलुज रिवर, और इस तरफ से आती पीछे से स्पीति रिवर, और ये आगे जाके सतलुज रिवर मिल जाती है। तो एक बार आपको अच्छी सी लोकेशन दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं। सतलुज रिवर ये उस तरफ जाके स्पीति रिवर में मिक्स हो जाती है, वो उस तरफ से स्पीति रिवर आती है, और ये आगे जाके सतलुज रिवर बन जाती है। A few moments later. लो भाई इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था यहाँ पे, 98.69 रुपये पेट्रोल है, और ये पुणे है, ये सुबह 9 बजे खुलता है, शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है, और गर्मियों में और लेट तक खुलता है। तो यहाँ पे पेट्रोल डलवा दिया है, ये अभी 14 नवंबर 2022 को ओपन हुआ है, मतलब अब से 2 महीने पहले बस। अगर यहाँ पे नहीं होता तो फिर हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता, और एक्स्ट्रा आप यहाँ पे किसी भी गांव में ले सकते हो, बस चार्ज थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। जैसे वैसे 98 रुपये है, और वहाँ पर आपको 120 रुपये लीटर देंगे, पर आपको तेल मिल जाएगा, ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। तो जो अंधेरा हो गया है बढ़िया वाला, और अभी भी हमें यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर और जाना है, जिसमें हमें घंटे से ऊपर लग जाएगा। लो जी आज का अपना खाना आ गया है, चपाती आने वाली है, उससे पहले चावल है, ये दाल है, ये राजमा है, और ये प्याज है, और ये एक सब्जी है, एक ये मिर्च है। तो चलो खाते हैं। तो भाई रात को लेट हो गए थे, उसके बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पे पेट्रोल पंप पे कैंपिंग की, और उसके बाद खाना खा के सो गए थे। तो इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, कल का प्लान होगा अपना चितकुल, तो कल मिलते हैं सुबह चितकुल के लिए। बाय बाय, गुड नाइट।